मुझे खुशी है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर आया था ये साथ में वाले ब्लॉक का इनॉग्रेशन करने, तो मैं वीसी साहब को एक निवेदन किया था कि कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां खाने पीने से लेकर खेलना, कोई किसी का बर्थडे है, इस तरह की एक्टिविटी हो, काउंसलिंग हो, ये सब विदेशों में हमने सेंटर चलते देखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर भी इस तरह के सेंटर बनाए जाए और मुझे खुशी है कि मैंने भी मेरी पेटी ग्रांट से पैसा दिया, अनूप जी से भी दिया, यूनिवर्सिटी ने भी लगाया और मिलकर एक ऐसा भव्य वन ऑफ इट्स काइंड मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला है। मगर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कहीं बना होगा। और आने वाले भविष्य के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं को ये एक ऐसी सौगात होगी जो उनको कहीं ना कहीं सहयोग भी देगी, पढ़ाई के अंदर भी, काउंसलिंग के अंदर भी और उनकी रिक्रिएशन के अंदर भी। और मुझे तो एक खुशी और है कि जब मेरा इनॉग्रेशन का फाइनल हुआ तो एज अ स्टूडेंट भी मुझे ईमेल आई कि आपने इसका पार्ट बनना है, तो मैं तो एलुमनाई होके ऐसी चीज़ हमारे कैंपस में आती है, इसे बड़ा खुश हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि सभी एलुमनाई जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर खोला गया। हिसार से बीजेपी सांसद भाजपा छोड़ चुके हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, देखो पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल आदमी कब ले वो तो उस पर निर्भर करता है। मेरे एक साल से जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अंत में उन्होंने निर्णय लिया, तो इनकी सोच है जिसके प्रति वो गए हैं और भगवान उनकी सोच को, मैं तो ये कहूँगा कि अपना आशीर्वाद दे कि उनने जो कदम उठाया है वो किस सोच के साथ उठाया है और क्या वो आगे करना चाहते हैं। हिसार छोड़ के भागेंगे, हिसार रुकेंगे, सोनीपत भागेंगे, ये तो समय बताएगा। कंडा निकल गया आपका? मेरा तो भैया आज तक कोई कंडा नहीं है ना निकालने की सोच रखने वाला आदमी। 4.5 साल हो गए, 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए, कोई एक आदमी ये बोलता हो कि मैंने राजनीतिक तौर पे उससे द्वेष रखा या राजनीतिक तौर पर उसका नुकसान किया, गिनवा दो। आज के दिन तो मेरी एक ही सोच है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल के असूलों के साथ जो नायक जनता पार्टी का निर्माण किया था उस सोच को आगे लेकर चलना, और उस सोच के अंदर किसान कमेरे को, आम नागरिक को कैसे ज़्यादा सुविधाएं दे पाए, हम 4.5 साल में उस पर कामयाब भी रहे और आगे भी इसी सोच को अगले 40 साल 50 साल भगवान करे पार्टी 100-200 साल तक ऐसे ही रहे और ये पार्टी इस विचार को। अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे चुनाव लड़ ले तो मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी का एक भी सिपाही एक कदम पीछे हटेगा। और मैंने तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी खुलकर कहा था हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी, और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। गठबंधन की दो दौर की चर्चाएँ हुई है, आज हमारी बैठक है उसमें और विस्तार पर चर्चा होगी और आगे भी जैसे गठबंधन की चर्चाएं फाइनल होती है मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप लोगों को इनपुट्स आ जाते हैं एनडीए के कि क्या होगा। एनडीए के पार्टनर हैं आप, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हो सकता है? मैं तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि और भी सहयोगी दल जो अभी तक एनडीए में नहीं है, पहले थे, उनको भी हम लाने का प्रयास करें। हिसार से कितना पक्का दावा है आपका अगर गठबंधन होता है तो? हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी करे, दो हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 7 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम
नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। अगर गठबंधन होता है तो हिसार या भिवानी सीट ही मांगेंगे क्या, और भी मांग रहे हैं? देखो, हमारी प्राथमिकता है वो तो अलायंस में बैठ के चर्चा होगी, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, वो कौन सी लेना चाहेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि रद्द हो गया टेंडर। हालांकि मैंने आज सुबह ही अखबार में देखा है कि 4 अप्रैल 2024 तक 786 है मेरे ख्याल से नंबर, तो शायद 1921 हो सकते हैं, 750 करोड़ से ज्यादा की लागत में सिरसा का बाबा सिरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का टेंडर फ्लोट हो गया। कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी, इसीलिए रिवाइज करना पड़े। और क्योंकि हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने पैसा हाइट्स को दे दिया है जो HHIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है और सेंट्रल PSU है, वो इसको कंप्लीट करेगा। तो टेक्निकलिटी जो देखनी है, इसका ड्राइंग और इसका फ्यूचर का काम देखना है, वो हाइट्स का काम है। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से लोकेशन भी फाइनल कर दी है, नाम भी फाइनल कर दिया है और आगे का कार्य भी हाइट्स को देने का काम किया। बादल साहब की पहले पुण्यतिथि पर जाके आए हैं, वहाँ भी BJP के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत हुई आपकी? इसको पंजाब के अंदर राजनीतिक चर्चा मुझे नहीं लगता, ऐसे फंक्शन में जब हम पारिवारिक तौर पर गए, बादल साहब का देहांत हुआ उस दिन भी मैं गया, उनके जब भोग किया तो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी गए और आज मैं फिर जाके आया। और ये आना जाना कोई सिर्फ इस तरह के शोक और शोक के समय या शादी ब्याह के समय नहीं है, हमारा 4 पीढ़ियों का नाता है और चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक हम इसको निभाते रहे। और मैं तो ये विश्वास रखता हूँ मन में कि हमारी अगली 4 पीढ़ियाँ भी इस सोच को और आगे ले जाएंगी।